हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू समर आईएएस। आई होप सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं एंड सिंसियरली आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में लगे हैं, जमकर मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग 20 अक्टूबर 2023 के द हिंदू न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 एज वेल एज जो दूसरे स्टेट पीएससी के एग्जामिनेशन हैं एंड दूसरे एग्जाम्स जिसमें जनरल स्टडीज या करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उन सबको ध्यान में रखते हुए। ना सिर्फ हम लोग करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि सारी न्यूज में से क्वेश्चंस किस तरीके से बनाए जा सकते हैं, एमसीक्यू किस तरीके से फ्रेम किया जा सकता है एंड मेन्स आंसर राइटिंग में अगर आपको इस डाटा का इस्तेमाल करना है तो GS1, GS2, GS3 किस पेपर में आप इस डाटा का यूज कर सकते हैं एंड किस तरह से कर सकते हैं, इन सारी बातों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो काफी कुछ है जानने के लिए, काफी सारी चीजें हैं सीखने के लिए एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू ये वी बिगिन 20 अक्टूबर 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चले देखते हैं सर। तो जो पहली न्यूज है इसमें हमको ये बताया गया है कि साउथ वेस्ट मानसून हैज एंडेड एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून इज लाइकली टू सेट इन एज पर IMD, यानी कि जो IMD है जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि हमारे पूरे वेदर फोरकास्ट वगैरह आपने करने हैं और मॉनसून और बाकी सारे वेदर से रिलेटेड सारे जो भी फेनोमेनन्स हैं उसके बारे में आपको टाइम टू टाइम अपडेट करना है, उन्होंने रिसेंटली ये अपनी रिपोर्ट में कहा है, उन्होंने रिसेंटली अपने प्रेस रिलीज में इस बात को कहा है कि भारत में साउथ वेस्ट मॉनसून जो है इस साल के लिए वो खत्म हो चुका है। साउथ वेस्ट मॉनसून क्या? वो मॉनसून जो हमारे देश में बारिश लेकर आता है तो वो उसको हम लोग साउथ वेस्ट मॉनसून कहते हैं। तो साउथ वेस्ट मॉनसून हमारे देश में खत्म हो चुका है और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है या फिर बहुत जल्दी वो शुरू होने वाला है। भारत में ऑफिशियली 1 जून से लेके 30 सितंबर तक के जो 4 महीने का टाइम पीरियड है इसको माना जाता है मॉनसून रेनफॉल, यानी कि जो हम लोग कहते हैं कि हमारे देश में बारिश का जो सीजन होता है तो वो कब से कब तक का माना जाता है ऑफिशियली? 1 जून से लेके 30 सितंबर तक का जो ये ड्यूरेशन है ये 4 महीने मॉनसून रेनफॉल का पीरियड के तौर पे काउंट किए जाते हैं। इस ड्यूरेशन में हम लोग ये मानते हैं, इस ड्यूरेशन में होता यह है कि साउथ वेस्ट मॉनसून जो है वो भारत में एंटर करता है केरला से एंड जो आपका वेस्ट कोस्ट है यहां से एंड धीरे धीरे फिर वो कुछ वक्त में 1-2 महीने के अंदर अंदर लगभग पूरे भारत को अपने चपेट में ले लेता है, अपने प्रभाव में ले लेता है एंड पूरे देश में फिर इस पर्टिकुलर नॉर्थ वेस्ट आपका ये जो साउथ वेस्ट मॉनसून है इसके चलते बारिश होती है। अब IMD वालों का कहना यह है कि इस साल जो मॉनसून का सीजन रहा है इसमें हमारे देश में 94% बारिश हुई है ऑफ द एक्सपेक्टेड रेन्स फ्रॉम द 4 मंथ्स, मतलब जितनी बारिश की हमने उम्मीद करी थी कि इन 4 महीनों में जितनी बारिश होनी चाहिए उसका लगभग 94% बारिश हमारे देश में हुई है। अब देखिए होता क्या है कि साल दर साल हमारे देश में इन 4 महीनों में कितनी बारिश हुई है उसका हमारे पास में रिकॉर्ड है, कई सालों का इस तरीके का जो रिकॉर्ड है आपके पास कि भाई 1950 में कितनी बारिश हुई थी, 1951 में कितनी हुई, 52 में कितनी हुई, इस तरीके से हर साल जो 4 महीने के ड्यूरेशन में आपके पास में बारिश होती है उसकी एग्जैक्ट वॉल्यूम क्वांटिटी जो भी है उसका हमारे पास में रिकॉर्ड रहता है। अब उस सारे रिकॉर्ड के बेसिस पर हम लोग एक एवरेज कैलकुलेट करते हैं। अब अगला जो ये जो एवरेज आपने निकाल के रखा हुआ है इसको कई बार बोला जाता है लॉन्ग टर्म एवरेज, अगर आपके देश में इन 4 महीनों में जो बारिश होने वाली है वो इस लॉन्ग टर्म एवरेज के 96 से लेके 104% के बीच में, यानी कि अगर हम लोगों ने लॉन्ग टर्म एवरेज मान रखा है कि भाई 100 है तो और हमारे देश में बारिश होती है 96 या 97 या 98 इससे लेके 104 इनके बीच में कोई भी नंबर अगर है, एवरेज हमने कितना ले रखा है लॉन्ग टर्म एवरेज 100 ले रखा है और बारिश हमारे देश में किसी भी मॉनसून के सीजन में या फिर किसी भी 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक के ये 4 महीनों का जो ड्यूरेशन है 120 दिनों का जो ड्यूरेशन है उसमें अगर बारिश इस 100 के 96 से लेके 104 के बीच में होती है, 96% से लेके 104% के बीच में होती है, तब हम लोग ये मानते हैं कि हमारे देश में जो बारिश हुई है वो नॉर्मल है या फिर यूं बोलूं कि हमारे देश का जो इस साल का मॉनसून गया है वो नॉर्मल है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिएगा, अपने देश में साल दर साल जो बारिश होती है उसका अपने पास में रिकॉर्ड या फिर डाटा है। अब इस ये जो कई सालों का हमारे पास में रिकॉर्ड या डाटा है इसकी मदद से हम लोग एक औसत रेनफॉल, एक एवरेज रेनफॉल कैलकुलेट करते हैं जिसको लॉन्ग टर्म एवरेज भी कहा जाता है। अब अगर किसी साल आपके देश में बारिश इस लॉन्ग टर्म एवरेज के 96 से लेके 104% के बीच में होती है तब यह कहा जाता है कि इस साल का आपका जो मॉनसून है वो नॉर्मल रहा है, अगर 104 से ज्यादा होती है तब भी उसको एबनॉर्मल माना जाता है या फिर जितनी एक्सपेक्टेड है उससे ज्यादा बारिश मानी जाती है और 96%
अगर कम रहा है तो फिर ऐसी कंडीशन में ये बोला जाता है कि भाई जितना आपसे एक्सपेक्टेशन था मानसून उससे कम बारिश इस बार कर कर गया है, या फिर इस बार मानसून डेफिसिट है। तो हम लोगों ने अभी क्या देखा, 96 से 104% होगा तब ऑफ द लॉन्ग टर्म एवरेज, तब अपन बोलते हैं नॉर्मल। और इस साल बारिश कितनी हुई है, 94% हुई है लॉन्ग टर्म एवरेज की, लगभग 94% बारिश हुई है। इसका मतलब इस साल अपने देश में मानसून डेफिसिट रहा है, जितनी बारिश होनी चाहिए थी उससे लॉन्ग टर्म एवरेज का उससे लगभग 2% कम बारिश हुई है। अब सवाल उठता है कि इस साल ऐसी भाई ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हो गई कि जिसके चलते अपने देश में एक्सपेक्टेड से कम बारिश हुई है, या फिर नॉर्मल से नीचे जो है मॉनसून रहा है, या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि मॉनसून डेफिसिट रहा है। उसके पीछे की वजह यह है, इस साल अल नीनो जो था वो काफी ज्यादा प्रभावी प्रभावी रहा है। अल नीनो का जो फेनोमेनन है उसके चलते अगस्त का महीना मोर और लेस पूरा का पूरा सूखा गया है। अगस्त के महीने में इस साल जितनी बारिश होनी चाहिए थी उतनी ज्यादा बारिश नहीं हुई है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई इस साल जो है मॉनसून एवरेज से कम रहा, क्यों कम रहा, क्योंकि अगस्त के महीने में बारिश नहीं हुई, मोर और लेस अगस्त पूरा का पूरा सूखा गया है। एक आध दिन दो दिन बारिश हुई हो तो हुई हो, ज्यादा बारिश अगस्त के महीने में नहीं हुई। अब सवाल उठता है अगस्त के महीने में बारिश क्यों नहीं हुई, चार महीने तो झमाझम पानी गिरना चाहिए। जवाब यह है कि इस साल अल नीनो का प्रभाव था, अल नीनो के प्रभाव के चलते उसने अगस्त के महीने को ट्रिगर कर दिया लगभग लगभग वाटरलेस, और इसके चलते आपका जो ये एवरेज है वो काफी ज्यादा कम हो गया। हालांकि सितंबर के महीने में जबरदस्त बारिश हुई थी, सितंबर के महीने में खूब पानी गिरा, तो उसके चलते काफी हद तक अगस्त के महीने में जो सूखा रहा वो कंपनसेट हो गया। मगर फिर भी अगस्त के महीने का जो एक बड़ा हिस्सा जो सूखा गया है उसके चलते आपका जो एवरेज कोटा होना चाहिए था 96 से 104% का वो पूरा नहीं हो पाया, एंड इसके चलते वो लगभग 94% पर आकर रुका है। एंड इसके चलते हम लोग ये कह सकते हैं कि इस बार मानसून कमजोर रहा, जो एवरेज बारिश होनी चाहिए मॉनसून एवरेज से भी, या नॉर्मल जो बारिश होनी चाहिए उससे भी नीचे रहा, उससे भी कम बारिश हुई। मैं थोड़ा आपको फोटोग्राफ दिखा देता हूं, उससे आपको समझ में और अच्छे से आएगी ये बात कि ये जो है वो अपना साउथ वेस्ट मॉनसून है, ठीक है, ये जो है वो साउथ वेस्ट मॉनसून है। ये साउथ वेस्ट मॉनसून की जो हवाएं हैं ये अपने साथ में नमी लेकर आती हैं, और इसके चलते काफी बड़ी मात्रा में यहां पे ये चार महीने ये जो आपकी हवाएं हैं इसके चलते देश में बारिश होती है। दूसरा जो होता है वो होता है वो है आपका नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून जो है इसका उल्टा है, साउथ वेस्ट मॉनसून पानी से जमीन की तरफ में आया था, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून जो है वो जमीन से पानी की तरफ में जाता है। तो जनरली इसके चलते इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बड़े हिस्से में बारिश नहीं होती, मगर कुछ जगहों पर ये बारिश करवाता हुआ भी जाता है, अभी उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। बट अपने को जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि भारत में जो बारिश होती है प्रोमिनेंटली वो होती है साउथ वेस्ट मॉनसून के चलते, जब ये हवाएं मॉनसून की जो साउथ वेस्ट हवाएं हैं ये आपका वाटर बॉडी से या इंडियन ओशियन की जो ये इंडियन ओशियन से आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ में आती है तो अपने साथ में ये नमी लेकर आती हैं, और इनके चलते चार महीनों में जो सिस्टम बनता है उसके चलते खूब बारिश भारत के सब कॉन्टिनेंट में हमको देखने के लिए मिलती है। इसका उल्टा होता है आपका अक्टूबर के महीने से या नवंबर के महीने से, जब नॉर्थ ईस्ट मॉनसून शुरू होता है तब हवाएं कहां से कहां चली जाती हैं, जमीन से पानी की तरफ या वाटर बॉडी की तरफ जा रही होती हैं। अब जाहिर सी बात है जमीन से आ रही हैं तो इनमें ज्यादा नमी तो होती नहीं है, कहीं थोड़ा बहुत छोटा मोटा झील या तालाब के ऊपर से कुछ नमी इन्होंने ले ली तो ले ली, बाकी मोर और लेस जमीन के ऊपर से पानी की तरफ में जा रही है, वाटर बॉडी की तरफ या ओशन की तरफ में जा रही, तो इसके चलते बारिश नहीं होगी। तो मोर और लेस नॉर्थ ईस्ट मॉनसून जो है इसके चलते इंडिया के एक बड़े सेक्शन में बारिश नहीं होती, मगर कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पे इस नॉर्थ ईस्ट मॉनसून के चलते ही बारिश होती है या फिर उसके चलते यहां पर पानी गिरता है। अब वो कौन सा इलाका है उसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो अपने को ध्यान रखना है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून और साउथ वेस्ट मॉनसून में क्या फर्क है। 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक माना जाता है कि भाई साउथ वेस्ट मॉनसून है, और उसके बाद में फिर नॉर्थ ईस्ट मॉनसून सेटअप करता है, और दिसंबर के महीने तक या जनवरी के कुछ वक्त तक ये चलता है। अब आईएमडी ने फोरकास्ट यह किया है कि इस बार जो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून है वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में रहेगा, एंड इस बार का नॉर्थ ईस्ट मॉनसून नॉर्मल रहने की संभावना है। साउथ ईस्ट मॉनसून तो नॉर्मल रहा नहीं क्योंकि 94% पर है, यानी कि नॉर्मल से कम है, या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि मॉनसून डेफिसिट है अल नीनो वगैरह के प्रभाव के चलते। बट नॉर्थ ईस्ट मॉनसून के लिए इनका मानना यह है कि ये नॉर्मल रहेगा। अब अपने काम की बात आती है कि नॉर्थ ईस्ट मॉनसून में जब हवाएं इंडियन सब कॉन्टिनेंट से
वापस वाटर बॉडी की तरफ या इंडियन ओशन की तरफ लौट रही होती हैं, उस वक्त में नॉर्थ ईस्ट मानसून तमिलनाडु के एक बड़े इलाके में खूब बारिश करवाता है, केरल में काफी बारिश होती है, कर्नाटक के कुछ इलाकों में बारिश होती है, आंध्र प्रदेश के कुछ पोर्शंस में बारिश होती है, और छोटी बहुत भी नहीं, बड़ी सिग्निफिकेंट बारिश यहाँ पर हमको देखने के लिए मिलती है। तो ये कुछ इलाके हैं जहां पर नॉर्थ ईस्ट मानसून के चलते काफी ज्यादा बारिश अपने को देखने को मिलती है। अगर आप ओवरऑल अपने देश में होने वाली बारिश की बात कर लें किसी भी तरीके के मानसून के चलते, तो नॉर्थ ईस्ट मानसून के चलते होने वाली बारिश भारत के टोटल एनुअल रेनफॉल का लगभग 11% बनता है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन तो ये यहां से बन सकता है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून के चलते किन किन इलाकों में बारिश होती है, या प्रोमिनेंटली किन किन क्षेत्रों में बारिश आपको देखने को मिलती है। तमिलनाडु, आंध्र के कुछ कोस्टल का जो आपका आंध्र का इलाका है वो हो गया, इसके अलावा केरल एंड कर्नाटक के कुछ पोर्शंस हैं, पूरे कर्नाटक में भी नहीं, कुछ कर्नाटक के जो इलाके हैं यहाँ पर आपको बारिश देखने को मिलती है। और ओवरऑल भारत में साल भर होने वाली बारिश का अगर आप औसत निकालोगे तो नॉर्थ ईस्ट मानसून के चलते होने वाली बारिश उसका 11% के करीब बनती है। ये कुछ बातें अपने को ध्यान यहाँ पे रखनी है। अब यहां से क्वेश्चंस कौन कौन से बनते हैं, सबसे पहला तो यही है कि साउथ ईस्ट मानसून और नॉर्थ वेस्ट मानसून जो है कब, आपका साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून कब से कब तक माना जाता है। तो अपने देश में बारिश के 4 महीने या फिर साउथ वेस्ट मानसून जो है वो माना जाता है 1 जून से 30 सितंबर और अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर के आसपास तक के जो ड्यूरेशन है इसको माना जाता है नॉर्थ ईस्ट मानसून। दूसरा क्वेश्चन ये कि नॉर्मल मॉनसून कब माना जाता है, या फिर अपने देश में हम लोग कब बोलेंगे कि नॉर्मल मॉनसून है। तो जवाब हो जाएगा जब लॉन्ग टर्म एवरेज आपके इन 4 महीनों में जो बारिश हुई है साउथ वेस्ट मॉनसून के चलते 1 जून से लेके 30 सितंबर के बीच में जो बारिश हुई है वो लॉन्ग टर्म एवरेज के 96 से 104% के बीच में अगर हो तो फिर मानते हैं नॉर्मल है, 104% से ज्यादा हो तब मानते हैं एबनॉर्मल, एबनॉर्मली ज्यादा बारिश हुई है, और 96% से कम है तो उसका मतलब मॉनसून डेफिसिट है या बिलो एवरेज है, एवरेज से कम बारिश हुई है। ये कुछ पर्टिकुलर बातें अपने को ध्यान रखनी है। अब नॉर्मल है या नहीं है, एवरेज है, एवरेज से ज्यादा है, क्या है क्या नहीं है, ये सब कौन डिसाइड करता है, तो इसका जवाब है जो संस्था इन सबको डिसाइड करती है उसका नाम है IMD। अब जो ये नॉर्थ ईस्ट मानसून है ये प्रोमिनेंटली कहाँ कहाँ पे बारिश करवाता है, तो इन राज्यों के नाम याद रखना पड़ेंगे, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र, इन कुछ इलाकों में बारिश होती है। एंड कई बार आपको ये भी देखने को मिलता है कि अगर आप इन राज्यों में नहीं रह रहे हो तब भी नवंबर दिसंबर में आपके यहाँ बारिश हो जाती है और उसके चलते सर्दी एकदम से बढ़ती है। उसकी वजह यह है कि अगर जमीन से पानी की तरफ या वाटर बॉडी की इंडियन ओशन की तरफ में जब ये मानसून की हवाएं नॉर्थ ईस्ट की जा रही होती हैं, अब लेट से किसी इलाके में कुछ झील है, कुछ अगर वाटर बॉडी है, तो वहां से कुछ नमी वो इकट्ठी कर लेती हैं और आगे जाके कहीं पर जमीन पर ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट के किसी दूसरे इलाके में उससे वो बारिश करवाती हुई आगे बढ़ जाती हैं। तो इसके चलते कई जगहों पर लोकलाइज्ड आपको बारिश देखने के लिए मिलती है, जरूरी नहीं है कि इस साल हुई तो अगले साल भी हो, मगर कई जगहों पर इस तरीके की लोकलाइज्ड बारिश होती है। बट इन 4 राज्यों में पानी गिरता ही गिरता है और अच्छा खासा गिरता है। ओवरऑल एनुअल रेनफॉल का अगर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण होने वाली बारिश उसका 11% बनाती है, ये एक पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। तो दैट्स ऑल अबाउट ये जो मॉनसून का खत्म हो रहा है, साउथ वेस्ट मॉनसून और जो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून लग रहा है उसके बारे में। इस खबर से जो क्वेश्चंस बन सकते थे वो अपन ने डिस्कस कर लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, देखते हैं इसे। चलें अब नेक्स्ट न्यूज की तरफ में बढ़ते हैं। अब इस न्यूज में हमको बात करनी है कानून के बारे में, जो बना तो 2013 में था बट सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टिप्पणी करी है उस कानून के बारे में एंड उसके रिस्पेक्ट में कुछ रिक्वेस्ट करी है, कुछ ऑर्डर्स दिए हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो इसके चलते ये न्यूज में आ गया। कानून का नाम है पॉश एक्ट, POSH एक्ट, या फिर इसको कई बार हम लोग पॉश एक्ट भी बोल सकते हैं। पॉश एक्ट का पूरा नाम या फिर फुल फॉर्म क्या है, द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। यानी कि महिलाओं का के लिए जो कामकाजी महिलाएं हैं जो किसी वर्क प्लेस पर काम करती हैं उनका किसी तरीके का कोई सेक्सुअल हरासमेंट ना हो पाए और अगर किसी के साथ इस तरीके की कोई घटना घटी है तो फिर उस कंडीशन में उसको रिड्रेसल वगैरह दिया जाए। पहली बात तो ये कि आपने सेक्सुअल हरासमेंट होने ही नहीं देना, प्रिवेंशन करना है, जहां तक हो सके उसको रोकना है, एंड अगर कहीं पे किसी के साथ इस तरीके की घटना होती है तो फिर ऐसी कंडीशन में उसको जितना जल्दी हो सके उस पूरे के पूरे मैटर में उस महिला को न्याय दिया जाए और उस पूरे के पूरे जो भी घटना हुई है उसका रिड्रेसल किया जाए। इसके लिए कानून बनाया गया था जिसका नाम क्या है, द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं पॉश एक्ट। ठीक है जी।
प्रोहिबिशन या फिर प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है, और उसको शॉर्ट में पॉश एक्ट बोला जाता है। 2013 में ये कानून पास हुआ था। अब ये कानून जो है ये मैंडेट करता है दैट द स्टेट्स हैज टू अपॉइंट एन ऑफिसर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट फॉर रिसीविंग कंप्लेंट्स। इस कानून के तहत में राज्यों के ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि हर एक राज्य को अपने हर एक जिले में एक ऑफिसर को ऐसा डेजिग्नेट करना होगा, एक ऑफिसर को ऐसा अपॉइंट करना होगा जो जिसके पास अगर किसी महिला के साथ वर्क प्लेस पे किसी तरीके की घटना हुई है तो वो सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट उसको कर सके और वो अकॉर्डिंगली फिर उसके ऊपर कार्यवाही कर सके। अब ये इस कानून के तहत में एक प्रोविजन डाला गया था जब 2013 में इसको बनाया गया था। मजे की बात यह है कि 2023 में भी कई ऐसे राज्य हैं, कई जिनके कई ऐसे जिले हैं जहां पर इस तरीके का कोई ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा अब तक अपॉइंट हुआ ही नहीं है, और इसके चलते सुप्रीम कोर्ट में फिर कोई याचिका गई होगी, उसमें फिर उसके चलते फिर उस याचिका पे कार्यवाही करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिर स्टेट्स को ये आदेश दिया है, उनसे ये बोला है कि भैया जल्दी से जल्दी हर एक जिले में इस तरीके का एक ऑफिसर अपॉइंट करो जिसके पास में अगर किसी महिला का उत्पीड़न हुआ है तो फिर वो उसकी शिकायत दर्ज करा सके, और अकॉर्डिंगली फिर उसके लिए कार्यवाही कर कर उसको जल्दी से जल्दी इंसाफ दिया जा सके, न्याय दिया जा सके, राहत दी जा सके। तो क्योंकि 2013 का कानून है, 10 साल निकल गए कई कई राज्यों में के कई कई जिलों में इस तरीके के अभी ऑफिसर्स अपॉइंटेड ही नहीं है, एंड कोर्ट को इंटरवीन करके बोलना पड़ रहा है कि भाई क्या कर रहे हो, अपॉइंट करो। तो इसके चलते ये जो पूरा का पूरा न्यूज है, ये जो पूरी की पूरी खबर है, ये करंट अफेयर्स का एक टॉपिक बन गया है। हिंदू में इसके ऊपर काफी सारे आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं से ये भी समझ में आता है कि महिला सुरक्षा को लेकर हम कितने ज्यादा गंभीर हैं या फिर कितने ज्यादा सीरियस हैं, या फिर यूं बोलूंगी कि बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। ये सारी चीजें भी हमको यहाँ से दिख रही हैं। तो इन सब चीजों के चलते ये काफी ज्यादा न्यूज में आ गया है, एंड न्यूज में आने के चलते करंट अफेयर बन गया है। तो फिर अब इसको अपने को पढ़ना पड़ेगा। अब ये तो खैर पॉश एक्ट क्यों पढ़ना है, इसका पूरा नाम क्या है और क्यों ये खबरों में है, ये हमने देख लिया। अब इसके वेरियस फीचर्स के बारे में बात करते हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो व्हाट इज द पॉश एक्ट 2013, या फिर व्हाट इज प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013, अब इस पे बात करते हैं। पॉश एक्ट इज अ लेजिस्लेशन इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2013 टू एड्रेस द इशू ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट फेस्ड बाय वुमेन्स इन द वर्क प्लेस। द एक्ट एम्स टू क्रिएट अ सेफ एंड कंडक्टिव वर्क एनवायरमेंट फॉर वुमेन एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट। तो 2013 में भारत सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया कानून, ऑब्जेक्टिव क्या है, महिलाओं के साथ वर्क प्लेस पर जो सेक्सुअल हरासमेंट की घटनाएं होती हैं इस पूरे के पूरे इशू को एड्रेस करना है, और इस पूरे की पूरी चीज को जो है देखना, और अकॉर्डिंगली महिलाओं के साथ जस्टिस हो सके, इस तरीके की चीजों को प्रिवेंट किया जा सके, इन सब बातों को ध्यान में रखकर इसको बनाया गया। इसका ऑब्जेक्टिव यह है कि जो वर्क प्लेस है वहां पर इस तरीके का सेफ और कंडक्टिव एनवायरनमेंट बनाया जाए कि हर एक महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, एंड फ्रीली जो है बिना किसी डर के फियरलेसली अपना काम कर सके, एंड अच्छे से फिर जो है कॉम्पीट कर सके सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ, उसको जितना हो सके उतना प्रोटेक्शन हम लोग दे सकें ताकि कोई अनसेफ महसूस ना करे, किसी भी तरीके का कोई मेंटल या फिजिकल उसको थ्रेट महसूस ना हो, एंड वो अपनी बेस्ट ऑफ द कैपेबिलिटीज के साथ में अपना काम कर सके, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अच्छे से अच्छा कर सके। द पॉश एक्ट डिफाइन्स सेक्सुअल हरासमेंट टू इंक्लूड अनवेलकम एक्ट्स सच एज फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड सेक्सुअल एडवांसेस, अ डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, शोइंग पोर्नोग्राफी और एनी अदर अनवेलकम फिजिकल वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ अ सेक्सुअल नेचर। तो पहली चीज तो ये कि आप सेक्सुअल हरासमेंट को डिफाइन कैसे करते हो। पॉश एक्ट ये बोलता है कि किसी भी तरीके की गतिविधि अगर आपने करी जिसके चलते एक महिला जो है अनकंफर्टेबल हो जाती है, एक अनवेलकमिंग किस्म का अगर आप फिजिकल कांटेक्ट किसी के साथ में बनाते हो या फिर फिजिकली आप किसी को इस तरह से टच करते हो जो सही तरीका नहीं है। जैसे हम लोग बच्चों को सिखाते हैं कि एक होता है गुड टच और एक होता है बैड टच, तो आप इसको बैड टच मान सकते हैं। इस तरीके से अगर आप किसी को टच कर रहे हैं फिजिकली जो उसको अनकंफर्टेबल कर दे, या जिसको बैड टच की कैटेगरी में रखा जा सकता है, या फिर आप किसी की तरफ में इस तरीके की हरकतें कर रहे हो कि जो सेक्सुअल एडवांसेस माने जा सकते हैं, किसी के साथ आप इस तरह से अगर आप आपकी बॉडी लैंग्वेज है, या फिर अगर आप किसी से सीधे सीधे डायरेक्टली इनडायरेक्टली सेक्सुअल फेवर्स की डिमांड कर रहे हो, या उसके ऊपर कोई इस तरीके का रिमार्क कर रहे हो जो सेक्सिस्ट किस्म का रिमार्क है जिसमें किसी महिला की डिग्निटी हर्ट हो रही है, कोई घटिया किस्म की कोई अश्लील किस्म की बात या इस तरीके के कमेंट अगर आप कर रहे हो, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। किसी को अगर आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली पोर्नोग्राफी दिखा रहे हो, इस तरीके की कुछ अगर आप गतिविधियां कर रहे हो जिसको आप
इनडिसेंट किस्म का जो हरकतें या बिहेवियर होता है उसकी कैटेगरी में रख सकते हो, या फिर कोई अनवेलकमिंग किस्म का फिजिकल, वर्बल, नॉन वर्बल कंडक्ट अगर आप देते हो जो सेक्सुअल नेचर की कैटेगरी में रखा जा सकता है, तो फिर ये सारी की सारी चीजें, और इन सब के चलते अगर कोई महिला असुरक्षित महसूस करती है, उसे लगता है कि उसका भाई उत्पीड़न हो रहा है, तो फिर इस कंडीशन में इस पूरी की पूरी चीज को पॉश एक्ट के तहत में सेक्सुअल हरासमेंट माना जाएगा। तो इसका डेफिनेशन बहुत ब्रॉड रखा गया है ताकि किसी भी तरीके की गतिविधि जो गलत हो या फिर अनवेलकमिंग नेचर की हो उसको इसमें इंक्लूड किया जा सके। चलें आगे बढ़ते हैं। अब इसके जो की प्रोविजंस हैं उसकी बात कर लेते हैं। की प्रोविजंस में सबसे पहला है प्रिवेंशन एंड प्रोहिबिशन। द एक्ट प्लेसेस अ लीगल ऑब्लिगेशन ऑन एम्प्लॉयर टू प्रिवेंट एंड प्रोहिबिट सेक्सुअल हरासमेंट इन द वर्क प्लेस। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर आप चाहे आप जो एम्प्लॉयर हो, अगर आप किसी को नौकरी पर रख रहे हो, अगर आप कोई एक इंस्टीट्यूशन चला रहे हो जहां पे काम हो रहा है, तो एज एन ओनर उस पूरे इंस्टीट्यूशन के मालिक होने के नाते अब ये आपकी जिम्मेदारी है, आपके ऊपर ये कि लीगल कानूनी ऑब्लिगेशन है कि आपने इंश्योर करना है कि आपकी वर्क प्लेस पे किसी भी तरीके का सेक्सुअल हरासमेंट की हरकत ना हो, और इसको एकदम आपने प्रोहिबिट करना है। आपने सारे एम्प्लॉयर्स को, जितने भी आपने एम्प्लॉयर्स हैं उन सबके ऊपर ये लीगल ऑब्लिगेशन है, और जितने भी इंप्लॉयज हैं उन सबको भी ये बात पता रहनी चाहिए, उन सबका कंडक्ट और बिहेवियर इस तरह से होना चाहिए कि इंश्योर करा जा सके कि प्रिवेंट भी हो ये चीज और प्रोहिबिटेड भी रहे। ये लीगल ऑब्लिगेशन है एम्प्लॉयर्स के ऊपर। इंटरनल कंप्लायंस कमिटी, द एम्प्लॉयर्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट एन इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी आईसीसी एट ईच वर्क प्लेस विद 10 और मोर एम्प्लॉयज टू रिसीव एंड एड्रेस कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। द कंप्लेंट कमिटीज हैव द पावर ऑफ सिविल कोर्ट्स फॉर गैदरिंग एविडेंसेस। अब एक तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी तरीके का कोई सेक्सुअल हरासमेंट आपकी वर्क प्लेस पे होना ही नहीं चाहिए, बट फिर भी मान लेते हैं कि कोई इस तरीके की घटना होती है। ऐसी कंडीशन में इस तरीके की घटनाओं को एड्रेस करने के लिए महिला और पुरुष दोनों को अपना पक्ष रखने का मौका मिले और एक फेयर किस्म का की इंक्वायरी की जा सके, एक फेयर किस्म का निष्कर्ष निकाला जा सके, इसके लिए कम से कम 10 लोग या 10 से ज्यादा लोग जो उसी वर्क प्लेस पर काम करते हो उनकी एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी आपने बनानी है। आप फिर अगर और फिर आप इसके पास में जो है अपनी शिकायत कर सकते हैं, एंड ये जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी है फिर इसके पास में सिविल कोर्ट्स की पावर रहेंगी इस पूरी की पूरी घटना को लेकर, जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं जिसने की घटना करी है, जो भी महिला इसका फिर एलिगेशन लगा रही है, उन सब की एविडेंसेस भी आपको प्रस्तुत करना पड़ेंगे। ऑब्वियस सी बात है किसी भी इल्जाम लगा देने भर से काम नहीं चलता, आपके पास फिर कुछ एविडेंसेस भी होने चाहिए। तो वो एविडेंसेस कलेक्ट करना, गैदर करना, उन सारी चीजों का पावर इस इंटरनल कंप्लाइंस कमेटी के पास में, कंप्लेंट्स कमेटी के पास में रहेगा, और फिर जो भी एविडेंसेस निकल कर आते हैं उसके बाद में फिर वो अपना रिकमेंडेशन देंगे एंड एम्प्लॉयर को फिर उसके बेसिस पर एक कॉल लेना होगा। ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स मस्ट अंडरटेक अवेयरनेस प्रोग्राम्स, प्रोवाइड अ सेफ वर्किंग एनवायरमेंट एंड डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉश एक्ट एट द वर्क प्लेस। अब एम्प्लॉयर की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो वक्त वक्त पर इस तरीके के प्रोग्राम्स करता रहे जिससे आपके जितने भी मेल एम्प्लॉयज खासतौर पर जो भी हैं उनको सेंसिटाइज किया जा सके कि भाई महिलाओं के साथ में आपका कंडक्ट कैसा रहना है वर्क प्लेस पे, पॉश एक्ट के क्या प्रोविजन है, क्या आपका डूज में आता है और क्या आपका डोंट्स में आता है, क्या चीजें बिल्कुल आपने बचनी है और किस तरीके का व्यवहार महिलाओं के साथ में आपको रखना है। साथ ही साथ इस तरीके की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी भी आपकी है कि सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट हो। जैसे कि अगर आप किसी जगह पर कैमरेज लगवा सकते हैं, 24/7 सर्विलेंस वगैरह बना रहे, महिलाओं के लिए आपके अलग जो है रूम्स वगैरह बनवाए जा सकते हैं जहां चेंज अगर आपको करना पड़ती है ड्रेस वगैरह अपना काम करने के पहले या बाद में, और इंश्योर करवाया जा सके कि पूरी तरीके से वो सेफ और सिक्योर हो। आपके किसी भी वक्त पर आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपकी वर्क प्लेस पे मिनिमम 5-7 महिलाएं जो है हमेशा मौजूद रहे, कभी भी कोई एक महिला जो है अकेली ड्यूटी ना करे या फिर अकेली ना रहे, इस तरीके की चीजें वगैरह कर कर आप इंश्योर करवा सकते हैं। हमेशा कुछ आपके ऐसे नंबर्स होने चाहिए उसके पास में कि अगर उसे कुछ लगे तो वो इन केस ऑफ पैनिक वो कॉन्टैक्ट कर सके और जल्दी से जल्दी उसको फिर जो है मदद वगैरह मुहैया कराई जा सके। ये सारी चीजें कर कर आपने इंश्योर कराना है कि एक सेफ इन्वायरमेंट पॉश एक्ट के तहत में वर्क प्लेस पर बनाया जा सके। अगला है कंप्लेंट मैकेनिज्म। द एक्ट लेज अ प्रोसीजर फॉर फाइलिंग कंप्लेन्ट्स, कंडक्टिंग इंक्वायरी एंड प्रोवाइडिंग अ फेयर अपॉर्चुनिटी टू ऑल पार्टीज इन्वॉल्व। तो पूरा का पूरा जो इसमें यह भी बताया गया है कि अगर सेक्सुअल हरासमेंट का कोई एलिगेशन लगता है किसी के ऊपर, कोई महिला अगर किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी एम्प्लॉयर या किसी को वर्कर के ऊपर यह एलिगेशन लगाती है, तो फिर ऐसी कंडीशन में किस तरीके से आपने कंप्लेंट करनी है फाइल, किस तरीके से उस कंप्लेंट के ऊपर इंक्वायरी कंडक्ट होनी है और क्या वो प्रोसीजर आपको फॉलो करना है कि फेयर अपॉर्चुनिटी हर एक पार्टी को मिल सके किसी भी निर्णय या किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के पहले, ये सारे के सारी बातें इस एक्ट में इसका पूरा क्लियर कट प्रोसीजर लिखा हुआ है और कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उनको उस पर्टिकुलर प्रोसीजर को फॉलो करना है। लास्टली अगर आपने फॉलो नहीं किया, आपने कहीं पर कंप्लाइंस में इश्यूज हैं, तो फिर उसकी क्या पेनल्टीज या क्या
उस कंडीशन में आपको पनिशमेंट मिलेंगे, थोड़ा उस पर भी बात करते हैं। नॉन कंप्लायंस विद द एक्ट प्रोविजन कैन रिजल्ट इन पेनल्टीज इंक्लूडिंग फाइन्स एंड कैंसलेशन ऑफ बिजनेस लाइसेंस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर सारी बातों पे आप सारे जितने भी प्रोविजन हैं अगर आप उसको नहीं मानते हैं एज एन एम्प्लॉयर, कहीं पर अगर किसी तरीके के लैप्स अगर देखने को मिलते हैं, तो क्योंकि सेक्सुअल हरासमेंट एक बहुत सीरियस मैटर है, ऐसी कंडीशन में वार्निंग भी दी जाएंगी स्ट्रिंजेंट तौर पे, फाइंस भी लगाए जाएंगे, और अगर आप रिपीट ऑफेंडर के तौर पे पाए जाते हैं, अगर पाया जाता है कि आप बहुत ज्यादा अनसीरियस हैं, ऐसी कंडीशन में हो सकता है आपके बिजनेस का लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया जाए। तो ये सारी चीजें इसीलिए डाली गई हैं, इस तरीके के स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट इसीलिए डाले गए हैं ताकि इस तरीके की घटनाओं को किसी भी कीमत पर होने ना दिया जाए, और जितने भी बिजनेस के लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो भी अपने वर्क प्लेस पे महिला पुरुष को एम्प्लॉय करते हैं, वो इसको सीरियसली जो है लें और इसके लिए जो भी प्रोविजंस वगैरह उनको पालन करें। तो ये सारी बातें हैं जो अपने को इसमें से ध्यान रखनी है। अब पॉश एक्ट के ऊपर अगर क्वेश्चन आया तो इसके प्रोविजंस के ऊपर क्वेश्चन बनेगा, कब ये एक्ट पास हुआ था इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, सरकार के ऊपर ये क्या ऑब्लिगेशन डालता है इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की अपॉइंटमेंट वगैरह से रिलेटेड, एंड बाकी जो इसके अलग अलग चीजें हैं कि प्रिवेंशन एंड प्रोहिबिशन के लिए क्या करना है, इंटरनल कंप्लायंस कमिटी में कितने मेंबर्स होने चाहिए मिनिमम, एंड इनके पास में सिविल कोर्ट की पावर होगी या ट्रिब्यूनल की पावर होगी या क्रिमिनल कोर्ट की पावर होगी, इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस यहां से बन, इस तरीके के कुछ एमसीक्यू बनाए जा सकते हैं। पेनल्टीज में किस आपका कैंसलेशन हो सकता है, या सिर्फ फाइन लगाया जाएगा या सिर्फ आपको रेप्रीमांड किया जाएगा, तो यहाँ पे अपने को याद रखना पड़ेगा कि भैया आपका पूरा का पूरा लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है अगर आपने इसको सीरियसली नहीं लिया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस यहां से कुछ बनकर तैयार होते हैं और ये अपने को ध्यान रखने हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस यहां से पॉश एक्ट के ऊपर बन सकते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडे सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग 21 अक्टूबर 2023 के द हिंदू न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके जो दूसरे फ्रेंड्स हैं जो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी इसके बारे में बताएं, एंड जितना हो सके उतना इस पर्टिकुलर वेंचर से बेनिफिट उठाएं एंड जुड़े रहें समर आईएएस के साथ। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।